आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप एचआर वाले हो? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन सर? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था, और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की एचआर बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। मैं कहा सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है, और मेरा छोड़ो तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है, जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बता रहा हूं नजर लग जाएगी और अगला प्रेजेंट नहीं मिलने वाला, तो मैं सच बता रहा हूं। मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं ना, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है, ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं मुझे पता, तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के, इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार, मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है, इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई साहब, लोग ना आजकल यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल दी मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंड्रा में अगर आपको घर लेना है, तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे दूर दूर कहीं, दे कीप गोइंग कहीं तो दूर रस्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। In 40 lakhs तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे ले लेते हैं लोग। एंड यू नो वंस पीपल बाय प्रॉपर्टी इन ऑल द आउटस्कर्ट एरियाज, दे स्टार्ट मेकिंग पीस विद देयर लाइफ, देन दे स्टार्ट जस्टिफाइंग दैट प्रॉपर्टी परचेज। देखा आपने, उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू ये इतना ट्रैफिक इतना हल्ला, अच्छी हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे आसपास, थोड़ा जंगल रहे, घर आओ लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं। फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ, फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंड्रा यही है, वो यही रहेगा कहीं नहीं जाएगा ये छोड़ के। बट यू नो आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन डेली, आई एम फ्रॉम डेली एक्चुअली, मैं ऐसे कोई बाहर बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ, आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकैलिटीज ऑफ डेली, आई एम अ वेरी रिच एंड स्नोबिश पर्सन, आई स्टे इन द क्विंच टाउन ऑफ फरीदाबाद। उसको NCR ने भी अपनाने से मना कर दिया, मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठेगा ना गुड़गांव गाजियाबाद नोएडा फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूं,
मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं। मैं अच्छा हूँ फरीदाबाद। आप लोगों को पता नहीं है पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है, मेरे को तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर किसी कोई मेरे पापा को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है, फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को। लो नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1/30 मैं दे के जाऊँगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1/20 मैं दे के जाऊँगा तुम्हें। मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 1/30 बोला था बेटा, थोड़ा हम भी तो कमाएंगे नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले, तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का, ना रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करें। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का।